दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से नीचे मौजूद सब्सक्राइब का बटन दबा दो और उसके साइड में बेल आइकन भी दबा दो, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आते हैं मोटिवेशनल वीडियोस, ट्रेनिंग वीडियोस और हर वो जरूरी जानकारी जो आपको अपने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को बिल्ड करने के लिए चाहिए होती है। और दोस्तों, जल्दी से इस वीडियो के नीचे मौजूद लाइक का बटन भी दबा दो, ताकि ये वीडियो आप जैसे और भी बहुत सारे महत्वाकांक्षी और पॉजिटिव सोच वाले लीडर्स तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं एक ऐसे सवाल का जवाब देने जा रहा हूं जो अक्सर बहुत सारे नेटवर्कर्स से पूछा जाता है। कुछ लोग इसका जवाब अपने अपने तरीके से दे भी पाते हैं, पर ज्यादातर नेटवर्कर्स इस सवाल का सटीक जवाब नहीं दे पाते हैं। अब आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जो जवाब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा आपने उस जवाब को एज इट इज याद कर लेना है, और आज के बाद जब भी यह सवाल आपके सामने आए तो आपने यही जवाब देना है। समझ में आ गया? सवाल यह है कि अगर सब लोग नेटवर्क मार्केटिंग करने लग जाएंगे तो बाकी सारे काम जैसे खेती, किसानी, टीचिंग, पॉलिटिक्स, इसी तरह के अन्य जरूरी काम कौन करेगा? आता है ना यह सवाल आप सबके सामने? जिस जिसके सामने मार्केट में यह सवाल आया है आज तक, वो नीचे जल्दी से कमेंट बॉक्स में यस टाइप कर दो, क्योंकि अगर आपके सामने भी ये सवाल आ चुका है तो इसका मतलब आप राइट ट्रैक पर हो। देखो, वैसे तो ये सवाल एकदम फालतू सवाल है जिसका ना तो सिर है ना पैर, क्योंकि प्रैक्टिकली ऐसा हो पाना पॉसिबल ही नहीं है कि दुनिया के सारे लोग एक ही काम करने लग जाएं। लेकिन फिर भी कुछ महाबुद्धिमान, अति विद्वान लोग आपसे इस तरह के सवाल करने लग जाते हैं। ध्यान देना, यहां पर आपको सवाल का जवाब नहीं देना है, बड़े काम की बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। जब आपके सामने कोई ऐसा सवाल आ जाता है जो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है, तो आपने सामने वाले को उसके सवाल का जवाब नहीं देना है, बल्कि सवाल पूछने के पीछे जो उसकी इंटेंशन है, आपने उस इंटेंशन का जवाब देना है। इंटेंशन का मतलब होता है कि इस सवाल को पूछने के पीछे सामने वाले का मकसद क्या है, यानी पर्पस क्या है। जब कोई कहता है कि मेरे पास टाइम नहीं है या मेरे पास पैसे नहीं है, तो इसका मतलब है कि सामने वाला अपनी असमर्थता आपके सामने रख रहा है, यानी अपनी प्रॉब्लम आपको बता रहा है। लेकिन जब कोई कहता है कि सब लोग नेटवर्क मार्केटिंग करने लगेंगे तो बाकी का काम कौन करेगा, तो ऐसे में वो अपनी प्रॉब्लम आपके सामने नहीं रख रहा है, बल्कि नई प्रॉब्लम आपके सामने क्रिएट कर रहा है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि वो आपका टेस्ट ले रहा है। बात समझ में आ रही है? और वो आपका टेस्ट इसीलिए ले रहा है क्योंकि वो अपने आप को नॉलेजफुल समझता है, और जो इंसान खुद को नॉलेजफुल समझता है उसके साथ एक बहुत बड़ी समस्या है। समस्या ये है कि यदि आप उसके इस सवाल का सीधा सीधा जवाब दे भी दोगे तो वो आपके सामने एक और बेतुका सवाल रख देगा, और फिर आप उसका जवाब देने में उलझ जाओगे, और ये सिलसिला चलता रहेगा तब तक जब तक कि आप उसके किसी सवाल पे अटक नहीं जाते। और एक बार आप अटके तो समझ लो गई भैंस पानी में, पूरा एफर्ट और टाइम सब वेस्ट हो जाता है। इसीलिए आपको ऐसे सवालों का सीधा सीधा जवाब नहीं देना है, प्रॉब्लम सॉल्व करने पे फोकस नहीं करना है, बल्कि जब सामने वाला आपकी नॉलेज को टेस्ट करने की कोशिश कर रहा है और आपको इनडायरेक्टली ये सिग्नल दे रहा है कि मैं नॉलेजफुल व्यक्ति हूं, तो आपको भी इस केस में सेम यही करना है। उसने आपकी तरफ एक सवाल फेंका है तो आपने भी एक सवाल उसकी तरफ फेंक देना है। समझ में आ रहा है? और आपने भी इनडायरेक्टली यही सिग्नल देना है कि मैं भी नॉलेजफुल व्यक्ति हूं। क्लियर हो रही है बातें? अब मैं आपको बताता हूं कि मैं क्या जवाब दूंगा या मैं इस सवाल का क्या जवाब देता हूं। जब कोई मुझसे बोलता है कि अगर सब लोग नेटवर्क मार्केटिंग करने लग जाएंगे तो बाकी सारे काम जैसे खेती, टीचिंग, पॉलिटिक्स, इसी तरह के अन्य जरूरी काम कौन करेगा, मैं बोलता हूं वाह सर, बहुत दूर की सोच लेते हैं आप। लेकिन क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि ये सारे काम भी नेटवर्क मार्केटिंग के द्वारा ही बड़ी आसानी से किए जा सकते हैं? वो चौंक के मेरी तरफ देखता है, क्या मतलब? मतलब ये सर कि आपको क्या लगता है नेटवर्क मार्केटिंग क्या है? कोई कंपनी है, कोई इंडस्ट्री है, कोई स्कीम है, आखिर क्या है नेटवर्क मार्केटिंग, बताइए मुझे। सामने वाला इस सवाल पे ही सोचने की मुद्रा में पहुंच जाएगा।
नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री पर सवाल उठाने वाले 90% लोगों के पास इस बेसिक से सवाल का जवाब भी नहीं होता। आप अपनी बात आगे इस तरह से कंटिन्यू कीजिए। नहीं पता ना, मैं बताता हूं सर आपको, घबराने वाली कोई बात नहीं है सर। जिस तरह आपको नहीं पता है, इस इंडस्ट्री में आने से पहले मुझे भी नहीं पता था और किसी को भी नहीं पता होता है। कुछ अज्ञानी लोग इसे स्कीम स्कैम समझ लेते हैं और ज्यादातर लोग नेटवर्क मार्केटिंग को एक इंडस्ट्री के रूप में जानते हैं, बट बेसिकली देखा जाए तो नेटवर्क मार्केटिंग एक मेथड यानी एक तरीका है किसी भी काम को करने का। हालांकि क्योंकि ये टेक्निक अभी मार्केट में नहीं है, इसीलिए सिर्फ सीमित क्षेत्र में ही इसका इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन दुनिया के जिन देशों में नेटवर्क मार्केटिंग को 50 साल या उससे ज्यादा हो चुके हैं, वहां लगभग हर चीज में नेटवर्क मार्केटिंग का इस्तेमाल हो रहा है। भाई ये बात तो आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं कि किसी काम को अकेले करने के बजाय अगर टीम के साथ मिलकर किया जाए तो उसमें बेहतर परिणाम हासिल किया जा सकता है, और नेटवर्क मार्केटिंग में हम एग्जैक्टली सर यही करते हैं। 20 साल पहले इक्का दुक्का कंपनियां ही थी इंडियन मार्केट में जो नेटवर्क मार्केटिंग के द्वारा अपने प्रोडक्ट्स लोगों तक पहुंचा रही थी, पर जैसे जैसे इस पद्धति के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ती गई, लोगों ने इसे हाथों हाथ लेना शुरू किया। आज स्थिति यह है कि हिंदुस्तान में सैकड़ों कंपनीज नेटवर्क मार्केटिंग पद्धति से अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज लोगों तक पहुंचा रही हैं। लगभग सभी तरह के प्रोडक्ट्स और सभी तरह की सर्विसेज जो आम आदमी से जुड़ी हुई हैं, आज की डेट में नेटवर्क मार्केटिंग के द्वारा प्रोवाइड की जा रही हैं। और अब सर आपके सवाल का जवाब, ये कहना अतिशयोक्ति नहीं है कि आने वाले 25 से 30 साल के बाद वो सभी काम जिनकी आज आपको चिंता हो रही है कि इन्हें कौन करेगा, वो सभी काम नेटवर्क मार्केटिंग के द्वारा ही किए जा रहे होंगे। चाहे वो किसानी हो या राजनीति, नेटवर्क मार्केटिंग हर किसी का काम आसान कर देगी। ऐसा मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि मैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करता हूं या मैं नेटवर्क मार्केटिंग का बहुत बड़ा प्रशंसक हूं, बल्कि ऐसा मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री ऑलरेडी ये बात प्रूव कर चुकी है कि ऐसा ही होने वाला है। इंडिया में तो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को अभी महज 20-22 साल हुए हैं, पर अगर हम बात करें अमेरिका की तो वहां पर नेटवर्क मार्केटिंग को 50 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं। क्या आप जानते हैं सर कि वहां पर खेती, किसानी, पॉलिटिक्स और वो सभी जरूरी काम जिनकी आज आपको चिंता हो रही है, वो सभी काम वहां पर कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है? बात करें सर अगर खेती किसानी की यानी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज की, तो वहां पर जितनी भी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज होती हैं उनमें 20-25% का कंट्रीब्यूशन अकेले नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का होता है। और पॉलिटिक्स की तो बात ही मत करो, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन हो या मिस्टर बराक ओबामा हो या वर्तमान राष्ट्रपति मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप हो, ये सभी लोग खुल के नेटवर्क मार्केटिंग का सपोर्ट करते हैं। आपको क्या लगता है सर, देश की अर्थव्यवस्था के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, इस बात की इन लोगों को ज्यादा समझ होगी या हमारे और आपके जैसे आम लोगों को ज्यादा समझ होगी? इनफैक्ट नेटवर्क मार्केटिंग के तो सर इतने फायदे हैं कि यदि मैं एक एक कर गिनाना शुरू कर दूं तो भी सुबह से शाम हो जाएगी, लेकिन पूरे नहीं होंगे। और आप जैसे बिजी शेड्यूल वाले व्यक्ति का मुझे फिलहाल इतना टाइम लेना सर जरूरी नहीं लगता, क्योंकि आपका जो डाउट था वो तो मैंने ऑलरेडी क्लियर कर ही दिया है। फिलहाल सर जरूरी यह है कि आप एक पॉजिटिव डिसीजन लेके अभी इसी वक्त इस बिजनेस को शुरू करें, क्योंकि आप जैसे काबिल व्यक्ति को तो अभी तक इस बिजनेस में टॉप लेवल पे पहुंच जाना चाहिए था। लेकिन अगर अभी तक आपने इस बिजनेस को शुरू भी नहीं किया है तो इसका मतलब है कि ऑलरेडी बहुत देर हो चुकी है, अब हमें और देर नहीं करनी चाहिए। तो चलिए सर शुरू करते हैं। सो इस तरह से आप सभी ने इस सवाल का जवाब देना है। अब अगले 2 मिनट में मैं आपको जो बताने वाला हूं वो मेरा मानना है कि आपके बिजनेस में, आपके करियर में एक गेम चेंजर साबित होगा, इसीलिए बहुत ध्यान से सुनना और समझना। लेकिन उससे पहले अगर आपने वीडियो यहां तक देख ली है तो कमेंट बॉक्स में 1 टाइप जरूर कर दीजिए, ताकि मुझे भी पता चल सके कि कितने लोग इस वीडियो को सीरियसली देख रहे हैं और सीखने की कोशिश कर रहे हैं। आप यदि गौर करेंगे तो देखेंगे कि मैंने यहां जो जवाब सामने वाले को दिया है, मैंने कोई उसके सवाल का जवाब नहीं दिया,
बल्कि मैंने उसकी तरफ से मेरे सामने जो क्वेश्चंस की सीरीज आने वाली थी मैंने उस सीरीज को ही ब्लॉक कर दिया। कुछ समझे? नहीं समझे? चलिए समझाता हूं। ज्यादातर नेटवर्कर्स जब फॉलोअप करने जाते हैं तो उनका फॉलोअप एक कौन बनेगा करोड़पति के एपिसोड की तरह बन जाता है। उनका गेस्ट उल्टे सीधे सवाल पूछने लग जाता है और वो उन सवालों के सही सही जवाब देने में ही उलझ जाते हैं। कौन बनेगा करोड़पति में तो फिर भी सेंसिबल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पर हमारे गेस्ट तो कई बार ऐसे सवाल करने लग जाते हैं जिनका ना सिर होता है ना पैर, पूरी तरह से बेतुके सवाल। ऐसे सवाल करने के पीछे सामने वाले का एक ही मकसद होता है, अपने ज्ञान का प्रदर्शन करना और आपके ज्ञान का टेस्ट लेना। ऐसी सिचुएशन में आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही फॉर्मूला अपने दिमाग में रखना है और वो फॉर्मूला है अटैक इज द बेस्ट डिफेंस। इसका मतलब है कि अब आपको डिफेंसिव अप्रोच बिल्कुल नहीं अपनानी है, अब आपको अटैकिंग अप्रोच अपनानी है। अगर आप डिफेंसिव अप्रोच अपनाएंगे तो आप पर इसी तरह से सवालों की बारिश होती रहेगी तब तक जब तक कि आप ढेर नहीं हो जाते। अटैकिंग अप्रोच का मतलब यह नहीं है कि आपने किसी को मारना पीटना है या आपने किसी को हड़काना है। अटैकिंग अप्रोच का मतलब है कि अब आपको भी सवाल दागने हैं, यानी आपको सवाल का जवाब भी सवाल पूछ के ही देना है। यानी इसी बात को और अच्छे से समझाऊं तो आपने चीजों को एक्सप्लेन करते समय फैक्ट्स एंड फिगर्स तो रखने ही है, साथ में सवाल भी पूछते रहना है। 3 से 4 मिनट के एक्सप्लेनेशन में क्विकली आपने 3 से 4 सवाल दाग देने हैं। ऐसा करना बहुत जरूरी है। आप सोच रहे होंगे क्यों? क्योंकि जैसे ही आप किसी से सवाल पूछते हो तो उसका दिमाग ऑटोमेटिकली जवाब सर्च करने पर फोकस्ड हो जाता है। अब मैं आपसे पूछूं कि महात्मा गांधी जी के पिताजी का नाम क्या है तो आपका दिमाग भी महात्मा गांधी जी के पिताजी का नाम सर्च करने पर फोकस्ड हो जाएगा। और जवाब नहीं मिलता है तो क्या होता है? दिमाग कंफ्यूजन स्टेट में चला जाता है। लेकिन जब आप साथ में एक्सप्लेन भी कर रहे हो तो आप उसे कंफ्यूजन से बाहर भी निकाल रहे हो। दिस इज इंपॉर्टेंट। इससे फायदा यह होगा कि उसे पता चल जाएगा कि इस बिजनेस के बारे में तो यार आपके पास उससे बहुत ज्यादा नॉलेज है। अब वो आपके सामने नरम पड़ जाएगा और दोबारा से फालतू के बेतुके सवाल आपसे नहीं पूछेगा। और सबसे बड़ा फायदा आपको ये होगा कि वो व्यक्ति जो खुद को नॉलेजफुल समझता है वो ऐसे व्यक्ति के साथ इजीली ज्वाइन हो जाता है जिसे वो खुद से ज्यादा नॉलेजफुल समझने लगे। और इस अप्रोच से ठीक ऐसा ही होता है। याद रखना, हर वो व्यक्ति आपके सामने नतमस्तक हो जाएगा और बेझिझक आपके साथ ज्वाइन हो जाएगा जिसे ये भरोसा हो जाएगा कि आप उसके गेस्ट को इजीली ज्वाइन करवा दोगे। उम्मीद करता हूं आपके कुछ फंडे इस वीडियो से क्लियर हुए होंगे। अब जल्दी से अपना धर्म निभाओ और इस वीडियो को अपनी टीम और पड़ोसी की टीम में भी फटाफट से शेयर कर डालो। वीडियो के नीचे लाइक का बटन अगर अभी तक नहीं दबाया है तो जल्दी से दबा दो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग ट्रेनिंग वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।